संबल डीएसएम सुगर मिल में आज उत्तर प्रदेश में पहली सुगर कैन हार्वेस्टर मशीन का आगमन हुआ। गन्ना कमिश्नर संजय भूरा रेड्डी और मिल मालिक गौरव गोयल और मिल अध्यक्ष सुभाष पांडे ने मशीन की पूजा अर्चना की। मशीन उन्नत तकनीक से गन्ना कटाई का कार्य करती है, इससे किसानों को लाभ मिलेगा। संबल डीएसएम सुगर मिल मशीन लागत 1.46 करोड़ रुपए है। अध्यक्ष सुभाष पांडे ने बताया, क्षेत्र में ऐसी मशीन आने से एक दिन में 2 से 3 एकड़ में गन्ना काटा जा सकता है। मशीन एक घंटे में 12 से 15 टन गन्ना काट सकती है। उन्होंने बताया, पहले ये काम मजदूरों द्वारा किया जा रहा था, इससे मजदूरों को अधिक समय लगता था, लेकिन मशीन से काम अधिक तेजी से होगा। मशीन गन्ने की आधुनिक तकनीकी से कटाई करती है, इससे किसान को होने वाले नुकसान में कमी के साथ खाद भी उपलब्ध हो जाती है। महीने हो गए और छीलने की बहुत परेशानी थी। कैन हार्वेस्टर मशीन चल रही है आपके खेत में, चल रही है, इसके क्या फायदे लग रहे हैं? अब ये छील रहा, ये हमारा खेत बहुत जल्दी यहाँ से जल्दी खाली गन्ना जो जल्दी छिल जाएगा। क्या रेट ले रहे हैं इसे छीलने के? रेट तो अभी निकालेंगे, जो भी होगा निकलेंगे। डीएसएम सुगर मिल की है, ये सब किसानों को फायदा पहुँचेगा। किसानों को फायदा पहुँचेगा, जो फसल ज़्यादा टाइम में कटती थी वो जल्दी कट जाएगी, इसकी पर्ची भी एक साथ इकट्ठी रहेंगी। जो हाईटेक मशीन आप लाए हैं, क्या फायदा किसानों को रहेगा, कितना? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत साफ निर्देश है कि गन्ना किसानों की और अन्य किसानों की सामान्य आय दुगनी करने का, और उसको आय दुगनी करने के लिए हम लोगों को हर पहलू पे कार्य करना होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए कैसे उनके आय में वृद्धि हो, कैसे उनके लागत में कमी हो, तो लागत में अगर आपको कमी करना है तो ये हाईटेक मशीन्स को भी आपको यूज़ करना होगा, नई तकनीक को यूज़ करना होगा। जैसे मैं देखता हूँ पेड़ी प्रबंधन में, अगर पेड़ी प्रबंधन का एक मशीन आ गई है ICR का डेवलप, अगर उसको लेता है किसान तो उसको 5 से 10% उसमें आय में वृद्धि होती है। टोटल मशीनीकरण का यूज़ करता है उसको 15 से 20% उसके आय में वृद्धि होती है, खर्चे में कमी होती है, समय बार के साथ दे सकता है। तो ये हम लोगों ने एक आर्ट थीम पर काम कर रहे हैं, जिसमें तकनीक जो है वो किसान तक ले जाना, साइंटिफिक रिसर्च जो है वैज्ञानिकों की संस्कृतियों को किसान तक ले जाना, मिलिंग टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना जिससे अच्छे से पेराई हो और उसका जो जूस का रिकवरी अच्छी हो। तो ये एक 8 बिंदु पर हम लोग काम कर रहे हैं, 8 जिसके तहत एक एक के तहत 2-2, 3-3 कार्यक्रम है। सड़कों जो गन्ना सड़क है उनको सुदृढ़ करना, उसको पक्का करना, जिसमें वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली टूट फूट ना हो, क्योंकि अगर ख़राब सड़क होता है तो कभी एक्सल टूटता है। तो ये सभी पहलुओं पे हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे आशा है कि जितने भी तकनीक अभी अवेलेबल है हिंदुस्तान में और अन्य देशों में, वो सबको हम लोग ला करके प्रयास करेंगे कि गन्ना किसानों की जो आय है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे गन्ना मंत्री जी चाहते हैं, उसके हिसाब से उनको दुगनी करें, उनकी समृद्धि लाएँ। सर, जो केन हार्वेस्टर शुरू हुई है कि यूपी में पहला? ये पहला है, ये केन हार्वेस्टर पहला है और ये धामपुर शुगर मिल ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि इन्होंने 2 केन हार्वेस्टर लिया है, और इसके लिए गौरव गोयल जी और इनकी पूरी टीम